हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँगा आप सब खुश होंगे। छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बनाए रखना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग वीडियो देख सके। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की नई मोटिवेशन स्पीच, ईश्वर ने आपको क्यों चुना है। बेस्ट मोटिवेशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आओ आपके लिए चलते हैं बेस्ट मोटिवेशन की ओर, जहाँ सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। इसलिए कभी यह न सोचे कि गॉड ने अपने ही इतनी प्रॉब्लम क्यों दी है। काम उसी को दिया जाता है जो इस काम को करने लायक होता है। भरोसा उसी पर किया जाता है जो भरोसा करने लायक होता है। इसीलिए यदि आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, असफलता हर बार आपका बुरा मूड लेकर आपके सामने आ जाती है, तथा प्रॉब्लम तो जैसे ही आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, तो घबराए मत बल्कि खुश होना। हमेशा भगवान आपसे कोई बड़ा कार्य करवाना चाहते हैं। वह आपके छोटे प्रयासों से खुश नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा प्रयास करें, ताकि आपकी सफलता बहुत जबरदस्त हो। वह आपको बहुत से काम देकर, वह आपको बहुत सी समस्याएं देकर आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप इतना मजबूत हो कि छोटी छोटी समस्या या कुछ असफलताएं भी आपके आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस को हिला न सके। आप सफलता की राह पर चलते रहे, एक दिन को ही ऐसी सफलता प्राप्त करें जो आपको चमकाता हुआ सितारा बना दे। आप यह समझ लीजिए कि आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। जो प्रॉब्लम आए उसे सीना तान कर अपने सामने आती जाए, उन्हें एक एक करके सॉल्व करते जाए और उससे घबराइए मत। यदि बहुत सी समस्या एक साथ आ जाए तो भी मत घबराइए। सोचो मत डूब जाना कि अब क्या करूं, बल्कि उन्हें कागज पर लिख लीजिए और एक एक करके उनका हल निकालते रहिए। रुकना नहीं, ध्यान रखिए, रुकना नहीं है आपको, बल्कि चलते रहना है, चलते रहना है, वह भी सही रणनीति के साथ, सही दिशा में। आप इस लायक है कि सफलता आपके कदम चूमेगी एक न एक दिन। इसलिए आपको कुदरत और भगवान के द्वारा चुना गया है, आपको चुना गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप इस स्पीच को सुन रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सफलता के रास्ते में आपको बहुत से ऐसे रास्ते मिलेंगे जो आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको भटकना नहीं है, आपको चलते रहना है सफलता के संकल्प के साथ। किसी ने सही कहा है, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, क्या हुआ आपके सपने बड़े हैं? क्या हुआ आपका सामना बहुत ही समस्याएं पर्वत के सामने तन कर खड़ी है? क्या हुआ आप बार बार अपनी मंजिल से फिसल जा रहे हैं? फिसलिए, फिसलते रहिए, कोई बुराई नहीं है। बुराई तो तब होगी जब आप फिसलने के बाद दोबारा कोशिश करना छोड़ दें। यह तो मुझे हरिवंश पुराण बच्चन जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई जो आपको बताता हूँ। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रागों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, वह नहीं हारती। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसलिए कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, आप प्रयास करते रहिए। मंजिल पाने की एक आग आपके अंदर होनी चाहिए, यही आग आपको सफलता के रास्ते में रोशनी का कार्य करेगी। जहाँ भी आपको अंधेरा नजर आ रहा है ना, वह आपके अंदर जलती यही आग का जुगनू बनकर काम आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि ख्वाहिश कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पूरी हो सकती है। बस आपको दिल में जिद होना चाहिए। आप समुंदर हो, आपको चुना गया है। ध्यान रखिए, प्रत्येक समस्या अपनी एक तपन होती है। जब आपके सामने कोई समस्या आए तो उसकी तपन में झुलसते रहिए, मत भूलिए, बल्कि समुंदर की तरह अपने अंदर इस शीतलता को भर लेना कि हर समस्या को सामना सीना तान के खड़ा हो जाना। जिंदगी की तपिश कितनी भी क्यों न हो दोस्तों, कभी हताशा मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, समुंदर कभी सुखा नहीं सकती। अपने अंदर यह विश्वास भर लो कि आपको चुना गया है, यही सही है।
क्योंकि सभी को चुना नहीं जाता। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करने में समर्थ हैं। दुनिया भर की सुविधाएं उन्हें दी गई हैं, लेकिन वह कोई नया काम नहीं कर सकते, वह कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बड़ी सफलता के लिए चुना ही नहीं गया है, और जिसको चुना गया है उनके इम्तिहान जबरदस्त लिए जाते हैं। यदि आप ऐसे ही समस्याओं से पीछा नहीं छुड़ाते, समझ लीजिए आपको ही चुना गया है। आप अपनी मर्जी इतना कुछ जानने के बाद भी आप रास्ता कौन सा चुनते हैं? सब कुछ छोड़िए, बड़ी उड़ान और लंबी छलांग का इरादा बना लीजिए, और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो प्रत्येक मंजिल जिसके सपने देख रहे हैं खुद आपको अपना रास्ता बताएगी और बताती रहेगी। क्योंकि जब इरादा बना ही है ऊंची उड़ान का, फिर तो देखना फिजूल है कद आसमान का। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए और मेरी वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, रोज नए नए वीडियो आपके पास लेके आता रहूं और आप लोगों के जीवन में नई सफलता की राह खोलता रहूं। तो चलिए आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो, और मेरी इन शब्दों में कुछ टूटी हुई हो तो मुझे क्षमा करना और मुझे